केंद्र की किसान नीतियों के विरोध में आज प्रदेश की अनाज मंडियां पूरी तरह से बंद रहेंगी। प्रदेश की 247 अनाज मंडियों में कामकाज नहीं होगा। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ और विभिन्न किसान संघों ने बंद के समर्थन में मंडियां बंद करने का निर्णय लिया है। तो केंद्र सरकार के कृषि बिल और राज्य सरकार के विभिन्न शुल्कों का विरोध हो रहा है। किसान संगठनों की मांग पर एक दिवसीय बंद किया गया है। सभी व्यापारी सुबह 10 बजे अपने अपने शहर मुख्यालय में एसडीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। तो किसान संगठनों की मांग पर ये एक दिवसीय बंद का जो समर्थन है वो व्यापारियों की तरफ से दिया जा रहा है। सोचिए, एक दिन मंडी बंद रहने से 600 करोड़ रुपए के कामकाज पर असर रहेगा। इसके साथ ही 5 लाख से अधिक मंडी कामगार प्रभावित होंगे। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में 23 सितंबर को फिर से बैठक बुलाई जाएगी, जिस पर आगे की रणनीति पर मंथन होगा। अंकित तिवारी जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अंकित, कैसे विरोध जता रहे हैं यहाँ पर व्यापारी और किसानों के समर्थन में? देखिए, कोरोना संक्रमण में कारोबार लोहे के चने चबाने जैसा हो रखा है। इस बीच अगर कामकाज, हड़ताल, विरोध प्रदर्शन की भेंट चढ़ जाए तो समझे कि अच्छे दिनों का इंतजार बहुत लंबा हो रहा है। और जाहिर है, आज मंडियां बंद रहेंगी। 247 मंडियों में विरोध दर्शाया जाएगा। राजस्थान के 33 में से 11 जिलों में धारा 144 है। ऐसे में विरोध के लिए कारोबारी इकट्ठा नहीं होंगे, लेकिन अपने अपने स्तर पर मांग पत्र देंगे। कारोबारियों के साथ साथ जो मंडी कारोबारी उनके अलावा पॉलिटिकल सहयोग भी है। किसान संघ इनके समर्थन में आया है और कांग्रेस भी कई जगह प्रदर्शन करने वाली है। तो जाहिर है, आज राजस्थान में केंद्र सरकार की किसान नीतियों के विरोध में और खासकर जो नए विधेयक लाए गए हैं, जो संसद में पारित हो चुके हैं, उनको लेकर विरोध दर्ज कराया जाएगा। पुनर्विचार की मांग की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि जो किसानों की नीतियों को लेकर रुख है वो केंद्र सरकार बदले और उनके हित के जो मुद्दे हैं उन्हें भी शामिल करे। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके का विरोध यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इससे साफ है कि केंद्र सरकार के खिलाफ अपना जो मोर्चा है, रणनीति है, वो आगे भी इसी तरीके से नजर आने वाली है। बहुत शुक्रिया अंकित तुम्हारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए।